तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रजा कादरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में खुश आमदीद। ये दो सदक़े ज़रूर दें, दौलत रिज्क और बरकत हासिल करने के लिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अगर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम किसी बात पे कसम उठा लें तो फिर कोई बात रह जाती है? हमारा अकीदा यह है कि फिर कोई गुंजाइश नहीं रहती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने कसम उठाई, लोगों मैं तीन चीज़ों पर कसम उठाता हूँ। पहली चीज़, मैं कसम उठाता हूँ जो शख्स सदका करता है, अल्लाह की कसम उसका माल कम नहीं होता, बढ़ता है। अब आप बताएं, इसमें किसी शक की गुंजाइश है? हरगिज नहीं। दूसरी बात, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस बात पे कसम उठाता हूँ, और एक रिवायत के अल्फाज ये भी हैं, अल्लाह की कसम जिसके साथ ज्यादती हो अगर वो माफ कर दे। और दूसरे अल्फाज इस तरह हैं, अगर कोई तवाजो इख्तियार करे तो वो गिरता नहीं है, अल्लाह उसे और इज्जतों से नवाजता है। तीसरी बात, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कशकोले गदाई लोगों के सामने करता है, अपनी ज़रूरियात का रुख अल्लाह की तरफ नहीं करता, अल्लाह की कसम उसके लिए फ़कीरी के दरवाजे अल्लाह खोल देता है। एक बात याद रखने वाली है, जिस शख्स के जहन में ये बात है कि सदका करने से माल ख़त्म होगा, इस हदीस की रोशनी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठाई उसका माल कम नहीं होता, ज़्यादा होता है, ये इस हदीस की रोशनी में हमें पता चलता है। मेरे प्यारी दोस्तों, मेरी माओ बहनों, आपने सिर्फ इन दो चीज़ों का सदका दे देना है, दौलत और रिज्क, पैसा मालो दौलत भागती हुई आपकी तरफ आएगी। जी हाँ, दौलत आपके पास भागता हुआ आएगा, घर से परेशानियों का, बंदिशों का, बेबरकती और बीमारी का खात्मा हो जाएगा। आपके घर में चारों तरफ दौलत ही दौलत होगी और आपकी ज़िंदगी में और आपके घर में खुशियां ही खुशियां होंगी इंशाअल्लाह। इस सदक़े को देने के लिए आपका बहुत अमीर और पैसे वाला होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इसमें आपके बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। गरीब से गरीब शख्स, गरीब आदमी भी आसानी से इस सदक़े को दे सकता है और सदक़े से तकदीर बदल जाती है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आप सबसे गुजारिश है, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ कि इस एक वीडियो को आप पूरा आखिर तक ज़रूर देख लीजिए। आज की इस वीडियो में मैं तीन ऐसे सदकों के बारे में बताऊँगा जिनमें से सिर्फ अगर आप दो सदके देना शुरू कर देते हैं तो आपकी किस्मत ऐसे बदलेगी कि आपको खुद यकीन नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी और घर से गरीबी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो जाएगा, गरीबी आपके घर से और आपकी ज़िंदगी से चली जाएगी और दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। इसके लिए बस आपको इन तीन में से किसी दो वजीफे को शुरू कर देना है, और इसके लिए ना तो आपको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है और ना ही आपको दौलतमंद होना ज़रूरी है, बल्कि अगर आप एक गरीब आदमी भी हैं, अगर कोई गरीब और मुफलिस शख्स भी है जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, तो वो इन सदकों को बआसानी दे सकता है। जी हाँ, इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं है, आसानी से इन सदकों को दिया जा सकता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको दौलतमंद बनाए, हम सब की रोज़ी में, रिस्क में, इल्म में, अमल में, सेहत में, उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए, हम सब के घरों से परेशानियों को दूर फरमाए, हम सब की हाजतों को पूरी फरमाए, हम सब के दिलों की हरनी को जायज़ मुरादें पूरी फरमाए, हमारा ईमान पे खात्मा नसीब फरमाए, रोज़े महशर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफात नसीब फरमाए, हम गुनहगारों की अनेक जायज़ दुआ सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े में कबूल व मकबूल फरमाए। आमीन।
सुम्मा आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, कमेंट बॉक्स में जाइए और आमीन जरूर टाइप कीजिए। क्या पता किसकी जुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए, तो कमेंट में आमीन सुम्मा आमीन जरूर लिखिए। दुआ पसंद आई, वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। आपकी एक लाइक से किसी जरूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सकती है और आपको कुछ नहीं जाएगा, ये बिल्कुल फ्री है। इसलिए आप अच्छी नीयत के साथ वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, क्योंकि इस चैनल पर आपकी जरूरत की वीडियोस आती रहती हैं, तो उन वीडियोस को सबसे पहले आप देख सकेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जरूर जुड़ जाएं। और अच्छी बात को फैलाना सवाब का काम है, तो इतनी प्यारी वीडियो है, इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर जरूर करें, कम अज कम अपने कुछ करीबी लोगों में जरूर पहुँचाएं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बताया, आप इन दो सदकों को देना शुरू करें। आप इन सदकों को देना शुरू करेंगे तो आपके रिस्क में इजाफा होना शुरू हो जाएगा, आपके मालो दौलत में इजाफा होना, बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगी, और इतनी तेजी से और इतना बेपनाह होगा, इतना बेपनाह मालो दौलत और पैसा आपके पास आएगा कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। और अगर आपके घर में खुदा न खास्ता कोई बीमार था या बीमारियां आती रहती थी, तो इंशाल्लाह सभी बीमारियां खत्म हो जाएंगी और शिफायाबी होगी, सेहत याबी होगी। और अगर आपके घर में खैरो बरकत नहीं, बेबरकती है, घर में बरकत नहीं है, तो आपके जिंदगी में बरकतें आएंगी और आपकी जिंदगी से और आपके घर से बेबरकती खत्म हो जाएगी। आप और आपके घर वाले बलाओं से, आने वाली मुसीबतों और परेशानियों से महफूज रहेंगे। मुसीबतों के आगे ये दो सदके ढाल और रुकावट बनकर खड़े हो जाएंगे। और खासकर रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो तमाम दूर हो जाएंगी। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान के हर जोड़, हर अज़ू पर सदका वाजिब है। इसी तरह एक और मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से जो आदमी भी सुबह करता है, यानी सुबह का सूरज देखता है, उसके हर जोड़ पर सदका वाजिब हो जाता है। यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन इरशादात की रोशनी में, इन अहादीस की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि जैसे ही हम पर अगला दिन चढ़ता है कि हमारे जिस्म में जितने भी जोड़ हैं, यानी हमारे जिस्म में 360 के करीब जोड़ हैं, उन तमाम पर सदका वाजिब हो जाता है। लेकिन हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि अपने जिस्म पर वाजिब होने वाले इस सदके को देते हैं? हम में से ज़्यादातर लोग तो तभी सदका देते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं या हम पर कोई मुसीबत आ जाती है। उससे पहले तो हमारा ना सदका देने का कोई ख्याल आता है, ना हमारे जहन में सदका देने को लेकर कोई ख्याल होता है, और ना ही हम ज़्यादातर लोग सदका देते हैं। यही वजह है कि हमारी ज़िंदगियों में अचानक से मुसीबतें और परेशानियां और रिस्क की तंगी आती चली जाती है, और हमें ये समझ में भी नहीं आता कि हम अपनी ज़िंदगी में ऐसी कौन सी गलती कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में, हमारे घरों में मसले, मसाइल, मुसीबतें, आफतें और परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। हम पर बलाएँ नाजिल हो रही हैं, हमारे रिस्क में तंगी हो रही है, हमारे रिस्क में बेबरकती है, हमारे रोजी रिस्क में बरकत नहीं है, हमारे घरों में नहुसत है, हमारे घरों में परेशानियां हैं, हमारे घरों में बरकत नहीं, और हम मुसलसल लगातार दिन ब दिन परेशानियों के, तकलीफ़ों के, मुसीबतों के बोझ तले दबे चले जा रही हैं। उसके वजह होते हैं हमारे बुरे अमाल, उसकी वजह होती हैं हमारे गुनाह जो हमने किए होते हैं, वो हमारे हाथों की कमाई जिनकी वजह से हम पर परेशानियां आती हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे घरों में दीनी माहौल नहीं होता, इस्लामी माहौल नहीं होता, घर में नमाज नहीं होती, तिलावत कुरान पाक नहीं होती, गाने बाजे होते हैं, नाच गाने होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, और हम सदका नहीं करते। फजूल की चीज़ों में पैसे हम खर्च करते हैं मगर अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते।
ये भी वजह होते हैं हमारे परेशानियों की, हमारी मुसीबतों की और हम पर आजमाइशें मुसीबतों के सूरत में आने की। मैं आज आपको दो सदकों के बारे में, तीन सदकों के बारे में बताऊंगा, जिनमें से आप कोई भी दो सदका देना शुरू कर दें, इनमें से सिर्फ आपको दो सदकों को देना शुरू कर देना है, जिसके बाद आपकी ज़िंदगी से, आपके घर से रिज़्क और दौलत के मसाइल हल हो जाएंगे और दौलत आप पर बरसने लगेगी। मालो दौलत को लेकर, पैसों को लेकर जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, जो भी परेशानियां होंगी, वो सभी ख़त्म हो जाएंगी। दौलत और पैसे की आप पर बारिश हुआ करेगी। दौलत माल आपके घर में बारिश की तरह छम छम बरसेगी। आपके घर में रिस्क और दौलत आना, पैसे आना शुरू हो जाएंगे और जितनी भी परेशानियां, मसले, बेबरकती और बीमारियां हैं, उन तमाम का आपके घर से खात्मा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले इस्लामी तालीमात की रोशनी में आपको सदक़े के बारे में चंद बातें बताते चलते हैं, जिनका जानना आपके लिए बेइंतहा ज़रूरी है, ताकि आपको पता हो कि सदका होता क्या है और सदका क्यों दिया जाता है और इसको देने से फ़ायदे क्या मिलते हैं, सदका देने के फ़ायदे क्या हैं। इस्लामी तालीमात नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम की इरशादात की रोशनी में, हदीसों की रोशनी में हमें पता चलता है कि आसमान से बलाएं नाजिल होती हैं। ये बलाएं अपने साथ मुख्तलिफ बीमारियां, मुसीबतें और परेशानियां लेकर आती हैं। कोई बला अपने साथ बीमारी लाती है, तो कोई हादसा, तो कोई रिस्क की तंगी। लेकिन सदका करना हमें न सिर्फ बलाओं से बचाता है, बल्कि गुर्बत और परेशानियों से भी, सदके की वजह से हमारे रिस्क और दौलत में इजाफा होता है और घर में बरकत पड़ती है। इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ माल खर्च करके ही सदका नहीं दिया जाता, बल्कि अगर आप किसी से सलाम करने में पहल करते हैं, किसी को पहले सलाम करते हैं, तो ये भी सदका है। किसी प्यासे को पानी पिलाना भी सदका है। इसी तरह सदका देने के बहुत सारे तरीके हैं, सदका करने के कई तरीके हैं, जैसे कि दो आदमियों के दरमियान सुलह करवा देना, किसी को सवारी पर चढ़ने में मदद करा देना, किसी को अच्छी बात बताना, नमाज के लिए जो आप कदम बढ़ाते हैं ये भी सदका है, रास्ते से रुकावटें और पत्थरों को हटा देना, कांटों को हटा देना, ये भी सदका है, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना, किसी को दवा देना, किसी की मदद करना, किसी की तकलीफ़ को दूर करना, किसी को पढ़ाना या कोई चीज़ सिखाना या किसी को अपने खर्च पर पढ़ाना, किसी को अच्छी बात बताना, किसी को मुस्कुरा कर देखना, किसी से मुस्कुरा कर मिलना, किसी मुसीबत में फंसने वाले इंसान की मदद करना, वक्त निकाल कर अपने माँ बाप के साथ गुजारना, अपने माँ बाप की खिदमत करना, किसी की तबीयत पूछना, किसी की हाल चाल की खैरियत लेना, बीमार की इयादत करना, किसी परेशानी या आजमाइश पर सब्र करना, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना, किसी को माफ़ कर देना, इसके बावजूद कि आपके पास उसके उसको सज़ा देने का इख्तियार हो, आपसे आपके पास उससे बदला लेने का इख्तियार हो, यहाँ तक कि अपने शौहर की खिदमत करना भी सदका है, अपनी बीवी को अपने हाथों से कुछ खिलाना और उससे प्यार मोहब्बत की बातें करना भी सदका है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है कि जो इंसान सदका नहीं देता, वो कभी भी आग से आज़ादी नहीं पा सकता। जिस काम का आगाज़ भी सदका देकर किया जाता है, उस काम में बरकत और अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओं बहनों, मैं आपको सदकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। इन तीन में से बस आपको दो सदकों को देना शुरू कर देना है और 7 दिन के अंदर अंदर
आपको इन दो सदकों के करिश्मे और फायदे अपनी आंखों से नजर आ जाएंगे। जो शख्स, जो भी इंसान, जो भी मुसलमान इन तीन में से दो सदकों को देता रहता है, चाहे मर्द हो या औरत, जो इन दो सदकों को देता है उसकी जिंदगी में कभी भी रिज्क और मालो दौलत के हवाले से परेशानियां या मसले नहीं आते। रिज्क, पैसा और दौलत उस पर बरसता रहता है। तो जो पहला सदका है कि किसी भी चारपाए को खाना या पानी डालना। चारपाए यानी चौपाए जानवर, यानी ऐसे जानवर जिनकी चार टांगें होती हैं, जैसे कि बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गया, इसी तरह गाय या बकरी की भी चार टांगें होती हैं। तो जो शख्स भी अपनी हैसियत और तफरीक के मुताबिक किसी भी चौपाए को, यानी किसी भी चार पाए वाले जानवरों को, चाहे बिल्ली हो या कुत्ता हो, खाना या पानी डालना शुरू कर देता है, बशर्ते कि वो जो चार पाए हैं या जो जानवर है वो उसकी अपनी मिल्कियत में ना हो। ये जानवर कुत्ता भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकती है, या कोई और जानवर भी हो सकता है जिसकी चार टांगे हों। आप किसी भी जानवर की भूख या प्यास मिटा सकते हैं जो कि आपकी मिल्कियत में ना हो, यानी कि जो आपका पालतू जानवर है या फिर आपका माल मवेशी है, तो ये तो आपकी ही जिम्मेदारी है कि आप उसे खिलाएं और पिलाएं, वो तो आप करते ही हैं। ऐसे जानवर को खिलाए पिलाएं जो आपकी मिल्कियत में ना हो, यानी जो आपका ना हो या जो आपका पालतू ना हो। आप किसी भी जानवर की भूख प्यास मिटा सकती हैं। एक शख्स हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या अली, मैं रोजाना काम पर जाता हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी गरीबी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, मैं क्या करूँ? हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शख्स की जानिब देखा, और फरमाया, ऐ शख्स, तुम अपने रिस्क में से अल्लाह की मखलूक को देना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी गरीबी और मुफलिसी को खत्म कर देगा। ये सुनकर वो शख्स कहने लगा, या अली, मैं तो निहायत एक गरीब और मुफलिस शख्स हूँ, भला मैं किसी को क्या दे सकता हूँ? ये सुनकर हजरत अली मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, क्या तुम्हारे घर में खाना होता है? वो शख्स कहने लगा, जी हाँ या अली, होता है, मैं दो बार खाना खाता हूँ। जिसके बाद मौला अली ने फरमाया कि ऐ शख्स, अपने रिस्क में से अल्लाह की दूसरी मखलूक को दो, फिर चाहे वो अनाज के दो दाने ही क्यों ना हों। अल्लाह ताला तुम पर से हर किस्म की रिस्क की तंगी का खात्मा कर देगा और तुम्हारे घर में इतना दौलत और पैसा हो जाएगा कि उन्हें रखने के लिए घर में जगह नहीं होगी। दूसरे नंबर का जो सदका है वो जुमेरात वाले दिन किसी भूखे को खाना खिलाना है। इस्लाम के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाना और किसी भूखे की भूख मिटाना अफजल तरीन कामों में से एक काम है। इस्लामी तालीमात की रोशनी में हमें पता चलता है कि इंसान अपनी जिस काम में भी आसानी चाहता हो, यानी वो ये चाहता है कि मेरे इस काम में आसानियां पैदा हो जाएं, तो उसे चाहिए कि दूसरे के उसी काम में आसानियां पैदा करनी शुरू कर दे। अल्लाह ताला उसके उस काम में आसानियां पैदा फरमा देगा और उसमें से उस काम के हर किस्म के मसले और परेशानियां और रुकावटें हटा देगा, हर सख्तियां और परेशानियां हटा देगा। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि रिस्क के हवाले से आपके जितने भी मसले हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो ख़त्म हो जाएं और किसी भी किस्म के रिस्क की तंगी आप पर बाकी न बचे, आपके घर में जितना चाहें, जितनी ज़रूरत हो उससे कहीं ज़्यादा दौलत आ जाए, गरीब और पैसा, आप चाहते हैं गरीबी दूर हो जाए और पैसा आने लगे, सादा अल्फाज में कहें कि आपके घर में रिस्क की बरसात होने लगे, पैसा दौलत बारिश की तरह बरसने लगे, तो आप ये काम करना शुरू कर दें कि अगर आपकी हैसियत है, अगर आपको तौफीक है
तो आप किसी भूखे को खाना खिलाना शुरू कर दें। अगर एक हफ्ते हर हफ्ते नहीं कर सकती तो महीने में एक दिन कर लें, दो हफ्ते में एक दिन कर लें। इस तरीके से आप करें, अगर कर सकते हो तो रोज़ाना कर लें। अपनी अच्छी नीयत के साथ जितना अल्लाह ने आपको दिया है अपनी हैसियत के मुताबिक किसी भूखे को खाना खिलाएं। अगर आप अपने घर में बनाकर खाना नहीं खिला सकते तो जितना हो सके आप करें। खाना पूरा नहीं खिला सकते हैं तो थोड़ा सा अनाज किसी के घर भिजवा दें, उसके ज़रूरत भर का अनाज भिजवा दें, या आपसे जितना हो सके गरीबों की मदद करें, अल्लाह की राह में खर्च करें। याद रहे किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी इबादत है। आम तौर पर लोग जुमेरात के दिन किसी को खाना खिलाना पसंद करते हैं, किसी को खाना खिलाते हैं, लेकिन ये चीज़ ज़रूरी नहीं। आप हफ्ते के किसी भी दिन किसी भी वक्त किसी भी भूखे को खाना खिला सकती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हर किस्म की रिस्क की तंगी का खात्मा हो जाए और आप किसी भी एक गरीब को हफ्ते में एक बार या रोज़ाना खाना खिलाना अफोर्ड कर सकते हैं तो इसकी आदत बना लें, इसकी आदत अपना लें। यकीन मानें आपकी ये अच्छी आदत इंशाल्लाह आपकी दुनिया और आखिरत दोनों ऐसे संवार देगी कि आप अपनी जब दुनिया देखेंगे तो आपको खुद यकीन नहीं आएगा आपके हालात कैसे बदल जाएंगे, आपके दिन कैसे बदल जाएंगे। किसी भूखे को खाना खिलाना न सिर्फ आपके रिज्क की, मालो दौलत की और पैसे की हर तरह के मसले और प्रॉब्लम्स को, परेशानियों को ख़त्म कर देगा, बल्कि आपकी आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि ये बहुत ही अजीम नेकी है, बहुत ही बड़ा सवाब का काम है। अब आइए जानते हैं तीसरा सदका क्या है। तीसरा सदका है परिंदों को दाना डालना। हुजूर बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह ने एक बार इरशाद फरमाया था कि कभी भी कोई चिड़िया भूखी नहीं सोती, तमाम चिड़िया पेट भर कर सोती हैं। और इसकी वजह यह है कि चिड़ियों का अल्लाह ताला पर पूरा तवक्कुल होता है। चिड़ियां इस चीज़ पर यकीन रखती हैं कि अल्लाह ही हमारा मालिक है और अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है, और जिस ज़ात ने आज तक हमें रिज़्क दिया है वो आगे भी हमें रिज़्क अता करता रहेगा। जिसने आज तक हमें भूखा नहीं सोने दिया वो कल या परसों भी हमें भूखा नहीं सोने देगा। और चिड़ियों का यही तवक्कुल, यही यकीन है कि आज तक कोई भी चिड़िया कभी भी रात को भूखी नहीं सोई। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह ने मजीद इरशाद फरमाया, आगे फरमाते हैं, इसलिए जो शख्स भी ये समझता है कि उस पर रिस्क की तंगी है और उस पर गुर्बत आई हुई है, गरीबी आई हुई है, वो जिस काम में भी हाथ डालता है वो काम मिट्टी हो जाता है, तो उस शख्स को चाहिए कि सुबह उठकर अल्लाह का नाम लेने के बाद दूसरा काम ये करे, अल्लाह ने दिया है तो सबसे पहले चिड़ियों को दाना डाल लें अगर तौफीक है। अगर उसकी तौफीक नहीं, उसको तौफीक नहीं, तो पानी ज़रूर डाले। जो शख्स चिड़ियों को दाना और पानी डालना शुरू कर देता है या दोनों में से कोई एक कर सके, सिर्फ पानी ही डाल दे, इंशाल्लाह इसकी बरकत से, इसने काम की वजह से उसके दौलत और रिस्क के तमाम मसाइल हल हो जाते हैं, उसकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें नेक कामों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इनकी बरकत से हमारी परेशानियों को ख़त्म फरमाए, हमारे रोज़ी में रिस्क में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट बॉक्स में आमीन टाइप कीजिए। सवाब की नियत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कादरी इंशाअल्लाह ताला ऐसे ही किसी प्यारी और ख़ूबसूरत वीडियो में आपकी काम की वीडियो लेकर इंशाअल्लाह फिर हाजिर रहूँगा। दुआओं की गुजारिश, अपना और अपने मोहब्बत करने वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। अल्लाह हाफिज़।